हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किसी भी महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नुस्खे पहले के ज़माने में दादी नानियां गर्भवती महिला की उत्सुकता की वजह से किया करती थी, इसलिए इस नुस्खे को 100% सच ना मानें। तो चलिए अब हम बताते हैं कि सिलबट्टे और छलनी के माध्यम से कैसे जाने कि गर्भ में लड़का है या लड़की। इसे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप सबके घरों में सिलबट्टे देखे होंगे। यह सिलबट्टा हर घर में होते हैं जिसमें मसाले या चटनी पीसी जाती है। तो हमें करना क्या है, इसमें जो बट्टा होता है जिसे चटनी पीसते हैं उसे लेना है, जिसे हम लोढ़ा भी कहते हैं, और इसके साथ ही आटा चालने वाली छलनी लेनी है जो हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और अगर आपके घर में सिलबट्टा ना हो तो आप इसकी जगह पर बेलन या अदरक कूटने वाले खल्लड़ के मूसर को भी ले सकते हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग किसी भी बर्तन या टोकरी से ढक देंगे जो ऊपर से बिल्कुल दिखाई ना दे, और ये सब काम गर्भवती महिला के सामने ना करें। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि किस बर्तन में कौन सी चीज़ ढकी हुई है। इसके बाद जो गर्भवती महिला है उसे इन दोनों में से किसी एक को उठाकर देखने को कहें। उन दोनों वस्तुओं में से सिर्फ किसी एक को ही उठाना है। अगर गर्भवती महिला छलनी को उठाती है तो ये समझा जाता है कि उस महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है, और अगर बेलन या खल्लड़ या फिर लोढ़ा गर्भवती महिला उठाती है तो माना जाता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। तो फ्रेंड्स, ये नुस्खा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसे और भी नुस्खे के बारे में आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर